हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी का क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। यानी कि आप लोग पूछ रहे थे दोस्तों कि आपका चैनल डिलीट हो गया तो आपने अपने चैनल को वापस क्यों नहीं लाया, आप जो YouTube से बात क्यों नहीं की, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। दोस्तों आज मैं आप सभी को पूरा क्लियर समझाने वाला हूँ कि क्यों मैंने एक्शन नहीं लिया, मेरा चैनल वापस क्यों नहीं आया, ये सब आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा चैनल ना आने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि मेरे पास ना तो कोई परमिशन था किसी चैनल से, ना ही तो मेरे पास लाइसेंस था। अब आप लोग बोलोगे भाई यूट्यूब में लाइसेंस की क्या जरूरत है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम जो वीडियो बनाते थे वो डबिंग वीडियो होता था। यानी कि हम किसी दूसरे चैनल का वीडियो उठाते थे, छोटा सा क्लिप लेते थे और अपने वीडियो में यूज करते थे। तो दोस्तों जब जो मेरे को स्ट्राइक दिया था, एप्लेक्स सॉफ्टवेयर ऐसे ही नाम है उसका, तो उसको उसने मेरे को स्ट्राइक दिया था, तो उनसे मैंने बात किया कि भैया हमारा स्ट्राइक जो है हटा दीजिए। लेकिन उन लोगों ने बोला कि नहीं भाई साहब, हम स्ट्राइक नहीं हटा सकते, क्योंकि हमने आपको स्ट्राइक इसलिए दिया है क्योंकि आपने दूसरे का कंटेंट यूज किया है, और जो आपने यूज किया है उस ऑनर ने मेरे को पैसा दिया है उस वीडियो को सुरक्षा करने के लिए। तो मैंने बोला भाई कोई उपाय है तो बताया जाए। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ एक उपाय है, अगर आपने ऑनर से परमिशन लिया हुआ है, अगर आपके पास कोई लाइसेंस है तो हमको दीजिए। तो आपको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ना ही तो मेरे पास कोई लाइसेंस था, ना ही किसी ऑनर से मेरे को परमिशन था, तो ऐसे मेरा चैनल आने का मतलब मेरा चैनल आने का कोई गारंटी ही नहीं था। मतलब अब चैनल आएगा भी नहीं, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने मेल और यूट्यूब को सारे किया था, बट कोई रिप्लाई विप्लाई नहीं आया था। मैंने डबल एप्लेक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड को मेल किया था, लेकिन फिर उसका कोई रिप्लाई विप्लाई नहीं आया, और मेरे चैनल को 7 डे से ज्यादा हो चुका है, ठीक है, तो चैनल आने का कोई चांस ही नहीं है। या देखिए दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल काफी अच्छा ग्रो चल रहा था, मेरे 7 से 8 मंथ के अंदर मेरा जो है 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे, और मैं पैसा काफी अच्छा कमा रहा था। लेकिन अचानक से दोस्तों मेरा उसमें अभी चैनल डिलीट हुआ है, तो बहुत सारे उसमें पैसा भी फंस चुका है। इस पे मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि मेरा कितना पैसा फंसा हुआ उस चैनल में, फंसा था और 1 रुपया भी वो नहीं आएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट था दोस्तों, ठीक है, अगला वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, मेरा चैनल का डिलीट कैसे हो गया, क्योंकि बताना आप सभी को पड़ेगा ही, क्योंकि दोस्तों थोड़ा छोटा चैनल नहीं था दोस्तों, बहुत बड़ा चैनल था। अफसोस हो रहा है मेरे को, अफसोस होगा ही, इतना बड़ा चैनल था। देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि मेरे चैनल पे फर्स्ट स्ट्राइक आया था ना, 2 मंथ पहले आया था मेरे को फर्स्ट स्ट्राइक। अभी जो मेरा चैनल डिलीट हुआ इससे 2 मंथ पहले मेरे को फर्स्ट स्ट्राइक आया था। तो आया था तो मेरे को उतना डर नहीं लगा था, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई चलो मैंने यूज कर लिया है तो स्ट्राइक देना ही है, भाई दे दिया तो चलो इसको 3 मंथ के अंदर तो हट जाएगा। मैंने एप्लेक्स सॉफ्टवेयर कंपनी को मेल किया हटाने के लिए, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं था। फिर दोस्तों 1 मंथ के बाद मेरे को एक और स्ट्राइक आ गया, भाई मैं पूरा डर गया। मैंने देखा भाई किस वीडियो पर स्ट्राइक आ रहा है, तो हेरा फेरी का मूवी था, उस पर स्ट्राइक आ रहा था। मैंने सारे वीडियो हेरा फेरी का डिलीट कर दिया। बीच में मेरे को एक दो वीडियो पे और पे डाउट हुआ, उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। उसमें मिलियंस में व्यू था, और मतलब काफी ज्यादा व्यू था, मैंने सारे वीडियो को डिलीट कर दिया। भाई मेरे को लगा कि मेरा चैनल बिल्कुल सिक्योर हो चुका है, इसमें कोई भी झंझट नहीं है, मेरा चैनल बच जाएगा। ये जो 28 आने वाला है, इसी 28 को मेरा जो है स्ट्राइक हटने वाला था। भाई मैं बहुत खुश था, क्योंकि 2 मंथ में मेरा 2 स्ट्राइक आ चुके थे, और 28 को ये स्ट्राइक दे रहा था। 28 हर एक 28 तारीख को मेरे को 2 स्ट्राइक मिल चुका था। मुझे डर था कि तीसरा इसी 28 को जो है मेरे को एक और स्ट्राइक आने वाला है, लेकिन इस 28 को मेरे को स्ट्राइक नहीं आया। भाई मैं बहुत खुश हो गया, चलो यार यार हमारा चैनल बच गया, खतरे में था। ऐसे एक गया, दो गया, तीन गया, और 4 को रात को 9 बजे करीब में मेरे को एक मेल आता है कि आपका चैनल हैज बीन डिसेबल, मतलब आपके चैनल पे एक और स्ट्राइक आ चुका है और आपका चैनल यूट्यूब से डिसेबल कर दिया गया है। भाई दिल में लग गया भाई, यहाँ पे सच बता रहा हूँ, उस वक्त का फीलिंग कुछ अलग था भाई, ठीक है। तो वो आ गया और ऐसे मेरे चैनल को डिलीट कर दिया गया। मैंने बहुत सारे बंदों से हेल्प करना चाहा, बट कोई हेल्प नहीं कर पाया, ठीक है। सोनू भाई ने किया, और एक दो और अतुल शर्मा वाइंस ने किया, और एक दो और भाई ने है जो किया है मेरा हेल्प, तो उनके लिए भाई दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा हेल्प किया। और जो लोग ऐसे मेरे डबिंग देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ठीक है, उस चैनल का जाकर वहां से आप देख सकते हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस पे जितने भी क्रिएटर हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे सारे लोग क्रिएटर हैं, जो लोग प्रमोशन के चक्कर में लगे हुए हैं, जिंदगी भर प्रमोशन के चक्कर में लग जाएंगे, बट यूट्यूब पे कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और यही रीजन था दोस्तों कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल को एक्शन वेक्शन नहीं लिया, एक्शन लेता तो स्ट्राइक भी हट जाता, लेकिन
मैं फंस जाता उल्टा में, ठीक है, मैं सारा बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए मैंने एक्शन ऑप्शन कुछ नहीं लिया, और यही बात था, यही रीजन था कि मैं अपने चैनल को वापस नहीं ला पाया। अगर आप भी ऐसे वीडियो बनाते हो तो हेरा फेरी का वीडियो मत डालना, और एक सनी देओल का गदर मूवी है उसका भी मत डालना, क्योंकि वो जो है मूवी का भाई वो फ्लेक्स सॉफ्टवेयर कंपनी को जो है कुछ पैसे दिए हुए हैं, और वो स्ट्राइक मार ही देगा, 100% स्ट्राइक मार देगा। तो आप लोग उससे जो है बचे, आप लोग जो है अच्छे से वीडियो बनाए, स्ट्राइक के चक्कर में भाई मत पड़ना, नहीं तो स्ट्राइक में पड़ गए ना तो भाई चैनल गया, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, 4 लाख 4.5 लाख सब्सक्राइबर था और चैनल डिलीट हो चुका है। बस यही रीजन था दोस्तों। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे फनी सॉरी ऐसे टेक का वीडियो देखने के लिए उस चैनल का आदत हो चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।